हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आको बाको की एपिसोड 13 के बारे में और 13वीं कहानी के बारे में, जिसका नाम है विंडो सीट। 13 नंबर की ये जो कहानी है विंडो सीट, आको बाको की जो दिव्य प्रकाश दुबे की रचना है, इसमें हम एक आज मैंने एक कहानी पढ़ी, एकदम बहुत ही अच्छी लगी। ये कहानी एक हीरोइन की है, क्योंकि एक जो इसमें कहते हैं कि जो मुंबई जो लड़कियां जाती हैं फिल्म स्टार बनने, मतलब एक्ट्रेस बनने, हीरोइन बनने, उसमें तीन तरह की लड़कियां होती हैं। एक होती है ऐसी लड़कियां जिसमें कि एक टैलेंट होता है और वो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, वो अपने टैलेंट के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहती है, तो कहते कि उनका कुछ नहीं होता। और दूसरी होती है कि जिसमें टैलेंट कुछ नहीं होता और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना जानती है, मतलब हर किसी के साथ हर स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, उनका भी कुछ नहीं होता। और तीसरे तरह की लड़की होती है जिसके पास टैलेंट होता है और कॉम्प्रोमाइज वहाँ कर दे जहाँ उसे लगता है यहाँ करना चाहिए, और वो हीरोइन बन जाती है। और यही वो कहते हैं कि हीरोइन जो बनने जाती है वो तीन तरह की होती है। हालांकि वो जयपुर से मुंबई से जयपुर जा रहे थे अपने घर किसी मीटिंग को ख़त्म करके, और वहाँ ख़त्म करने के मतलब बाद एयरपोर्ट पे वहाँ जब पहुँचे वहाँ एक लड़की दिखी, और वो लड़की एक हीरोइन थी। वो हीरोइन कहिए कि 10 साल 12 साल पुराने वीडियो में उन्हें देखा गया था इन लड़के द्वारा, दीप प्रकाश दुबे के द्वारा। वो कहते हैं कि वो 12 साल पहले इस लड़की को किसी एक म्यूजिक वीडियो में देखे थे। बहुत सारे लोग उन्हें पहचानते थे पर बात करने से हिचकिचा रहे थे कि मैं क्या बात करूं, 12 साल पहले इनकी वीडियो देखी थी, इधर तो कोई वीडियो देखी ही नहीं। और उसके बाद दिव्य प्रकाश दुबे वहाँ किस तरह जाते हैं, वहाँ बात करने के लिए पूछते हैं और कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो हंसने लगती है कि आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हंसी मजाक में ही वो कहते हैं कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो वो कहते हैं बैठने के लिए कहती हैं। और जैसे वो दोनों रहते हैं तो उन दोनों को एक अनाउंसमेंट सुना देती है एयरपोर्ट पर कि उनकी फ़्लाइट, दोनों एक ही फ्लाइट से जा रहे होते हैं, तो उनकी फ़्लाइट 1 घंटे लेट है। तो 1 घंटे लेट है, तब करे तो क्या करे। तब उन्होंने कहा कि क्या हम लोग कैब मतलब कुछ खाने पीने चल सकते हैं। तो लड़की ने कहा कि वैसे मुझे भूख नहीं है, फिर भी जा सकते हैं। और उसने अपने फ़ोन का चार्जर चार्ज करने के लिए उनसे चार्जर मांगा, तो उन्होंने भी अपनी चार्जर दे दी जो मीटिंग ख़त्म करके आ रहे थे। और वहाँ पे जब वहाँ खाना खाने गए तो लड़की ने कहा कि मैं थोड़ी वाशरूम से आ रही हूँ। वो वाशरूम से आए तब तक इन्होंने गूगल कर लिया इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़, क्या है क्या नहीं है, तो नाम वगैरह जानते थे, बस इनके फैमिली बैकग्राउंड क्या कर रही हैं अभी ये सब नहीं देखा था। तो वहाँ से गए, तो वो जब तक मैं वॉशरूम से आए तब तक मैं इन्होंने कर लिया था सब कुछ। और वहाँ पे मतलब बातें कर रहे थे कि आप यहाँ किस लिए आए थे शूट पे, तो उन्होंने कहा जयपुर आप लोग क्यों आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ शूट पर आई थी। तो उसने कहा किस चीज़ की शूट, फिल्म की शूट, सीरियल की शूट, एड की शूट, या फिर कोई म्यूजिक वीडियो की शूट। तो उसने कहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और फिर उसने जब बाथरूम गए थे तो उन्होंने गूगल किया था कि इनकी डाइवोर्स हो चुकी है और 1 साल की बेटी है, एक बेटी है, साल नहीं लिखा हुआ था, एक बेटी है। तो इन्होंने उनसे सवाल पूछा कि मतलब कि आप क्यों जा रहे हैं शूट पे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़की ने कहा क्या हम इस शूट को छोड़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ बात करी और जैसे ही मतलब धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो गई, उनका नाम तो नहीं पूछा पर उनकी क्रेडिट कार्ड पर उनका नाम था, तो लड़की ने पढ़ लिया और उन्हें अच्छे से जान गए, मतलब उसके कैरेक्टर को देखकर, उसके फेस को देखकर उनके पूरा कैरेक्टर के बारे में बता दिया। तो उसको भी लगा कि ये मेरे बारे में मेरे अपने करीबी से बहुत ज़्यादा जानने लगी, ना सच तो झूठ भी नहीं बोल रही है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, अपने अपने खाने नाश्ते वगैरह आते हैं, किसी उनका आइस टी रहता और इनका अपना भूख लगा हुआ रहता तो ये खाना मंगवाते हैं, तो कर रहे होते। तो और वहाँ पे कहते थे चलो, लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे बोर मत करना, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं फिर बात नहीं कर पाऊँगी, तुमसे बोर करोगे तो मैं चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि क्या हम लोग एक खेल खेल सकते हैं। तो लड़का कहता है कि प्लीज़ ट्रूथ देयर मत बोलना। तो लड़की बोलती नहीं, हम एक ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें सिर्फ झूठ बोलेंगे एक दूसरे को। और एक दूसरे को झूठ बोलते बोलते गेम में कब सच तक पहुंच गए पता ही नहीं चला, मतलब कि अगर
आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसमें हाँ या नाम जवाब देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप पीते हैं तो आप नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब आप पीते हैं। तो इस एक दूसरे को मतलब झूठ बोलने से उसकी सच्चाई का पता चल जाता, अपोजिट आंसर मिल जाता था। तो एक दूसरे की सच्चाई, एक दूसरे को परख, एक दूसरे की जान पहचान हो गई। और इससे उन दोनों के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा, एक लगा नहीं कि एक घंटे में इतनी ज़्यादा दोस्ती भी हो जाएगी, एक अजनबी से जाने पहचाने लोग बन जाएंगे। और अचानक उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि आपकी फ़्लाइट आ गई है, आप लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो दोनों क्या करते कि अपनी चार्जर अपने मोबाइल से खोल के उस लड़के को देते, वो लड़का अपना चार्जर रखता है बैग में और दोनों लास्ट में जाते हैं। हालांकि उनका लड़के का सीट वन डे रहता है और वो कहते हैं कि मैं हमेशा वन डे ही लेता हूँ क्योंकि मुझे विंडो सीट पसंद है, और लड़की का सीट वन एफ था। तो कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे के लास्ट में जा रहे थे। तो वहाँ लास्ट में जा रहे थे तो एक लड़का उधर से आया, और जैसे ही वहाँ टॉयलेट होती है तो वहाँ पे वहीं पे सहते, तो उन दोनों ने पूछा कि कुछ एक सवाल पूछा था, वो दोनों हंसने लगे। और उन दोनों के बाद वो दोनों मुंबई की मतलब एयरपोर्ट उतरे, वहाँ पर लड़की के कोई लेने मतलब कोई लेने आया था, मतलब जैसे होते ना कि आपका कोई मैनेजर वगैरह होता है, तो कोई वर्कर वगैरह है, तो वो आपकी कार लेकर आता है, उस तरह कार लेकर आया था। और लड़के के लिए एक लड़के ने कैब बुक की थी कैब को, तो वहाँ पे दोनों गले मिले और जाते जाते लड़के ने अपना काट दिया उसे कि हो सके तो कभी मिले हम लोग फिर से। तो लड़की ने कहा कि नहीं, अगर किस्मत में हुआ अनजाने में मिल गए तो ठीक है, अगर मिलना होगा तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और उसने एक सवाल पूछा था कि उनकी एक बेटी है, इसी जो गेम होता है गेम में एक सवाल पूछा था कि आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, आपकी एक बेटी है, क्या मैं आपकी बेटी का तस्वीर देख सकता हूँ। तो उसने अपनी बेटी की तस्वीर इसे दिखाई थी, और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि विंडो सीट इस कहानी का नाम पता नहीं क्यों रखा गया, एक छोटे से एक जो कि एक ही बार आया है विंडो सीट इस कहानी में, वो भी लास्ट में जब वो फ्लाइट पर चढ़ रहे होते हैं। तो पता नहीं इस कहानी का नाम विंडो सीट क्यों है। और ये कहानी पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ऑडियो बुक तो सुनते ही हैं, वो थोड़ी देर की कहानी होती है, पर जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैंने इसे अपनी आँखों से पढ़ा और एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑडियो बुक भी देखें और बुक्स भी पढ़ें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए और अच्छा लगे कि मतलब मैंने एक बुक पढ़ी और इसमें ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो कि प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। तो आप लोगों को ये ऑडियो बुक कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग बुक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये आपके ऊपर है। मैं तो समरी लाऊंगा ही, इसकी कहानी की समरी हर वीक लाऊंगा।